हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मंचूरियन खाना तो आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल, तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको मंचूरियन बनाना भी आसान लगने लगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूं मंचूरियन बनाने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। कैबेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पत्ता गोभी को इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इस मंचूरियन को बनाने के लिए या तो आप पत्ता गोभी को एकदम बारीक काटें या फिर कद्दूकस से कद्दूकस करें, तो फिर इन दोनों प्रोसेस में काफ़ी सारा समय चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पत्ता गोभी को मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। तो ऐसा करने से आपको ना ही पत्ता गोभी को बारीक काटना पड़ेगा और ना ही इसे कद्दूकस करना पड़ेगा। यदि आपके पास चॉपर है तो आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाएगी, लेकिन मिक्सी में भी ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आधा पत्ता गोभी हम अभी डाल देंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं भरेंगे मिक्सी को, आधा पत्ता गोभी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी के अंदर एक हरी मिर्च मोटी काट के डाल देंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। तो इनको भी हमें अलग से या तो पेस्ट बनाना नहीं पड़ेगा या फिर इसे बारीक चॉप नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसे मिक्सी पर सेट कर लेते हैं और इसे एक बार चलाएंगे, फिर रोकेंगे, बीच में एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नीचे की पत्ता गोभी ग्राइंड हो चुकी है वो ऊपर आ जाए और ऊपर की जो पत्ता गोभी ग्राइंड नहीं हुई है वो नीचे चली जाए। तो इससे ये एक समान ग्राइंड हो जाएगी। ध्यान रखना है, इसे हमें एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए मिक्सी को थोड़ा सा रोकें और थोड़ा सा चलाएँ, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक एकदम से ये ग्राइंड हो चुकी है, ना ही इसका पेस्ट बना है, बहुत ही खिली खिली है। तो इस पत्ता गोभी को क्या करेंगे, हम एक छलनी के ऊपर लगे हुए कॉटन के कपड़े पर निकाल लेंगे। जितना समय हमें पत्ता गोभी को कद्दूकस करने या फिर काटने में लगता है उतने समय में तो ये मंचूरियन बनकर तैयार भी हो जाता है। अब बची हुई पत्ता गोभी को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो पत्ता गोभी के अलावा इसमें गाजर बीन्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें भी इन्हीं के साथ ही ग्राइंड कर लें। इस पत्ता गोभी को हमें निचोड़ लेना है, इसलिए हमने इसे कॉटन के कपड़े में निकाल लिया था, क्योंकि पत्ता गोभी में काफ़ी सारा पानी होता है। तो यदि इस पत्ता गोभी से आप ऐसे ही मंचूरियन बनाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारा मैदा कॉर्नफ्लोर वगैरह डालना पड़ेगा, जिससे मैदे का टेस्ट ज़्यादा आएगा और जो पत्ता गोभी का टेस्ट होता है वो इतना नहीं आ पाता है। तो हो सके तो आप पत्ता गोभी को हमेशा निचोड़ कर ही मंचूरियन बनाएँ, ताकि ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो पानी हमने निचोड़ लिया है, आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसमें से निकला है। तो अब इस निचोड़ी हुई पत्ता गोभी को हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब पत्ता गोभी देखिए कैसे खिली खिली हो गई है एकदम, और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं रहा है, तो इसकी जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो पत्ता गोभी के अंदर अब बचे हुए इन्ग्रीडियंट्स हम डालेंगे। तो हरी मिर्च और लहसुन तो हम पहले ही इसके अंदर डाल चुके हैं, तो वो इसके साथ एकदम बारीक चॉप हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। लेकिन यदि पत्ता गोभी की मात्रा कम या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस पत्ता गोभी अच्छे से बाइंड हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इस पत्ता गोभी को आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं हाथ से ऐसे दबा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है। तो नमक डालने के बाद जब पत्ता गोभी नमक के कांटेक्ट में आएगी तो ये और पानी रिलीज़ करेगी, तो उस पानी की वजह से ये जो पत्ता गोभी है वो एकदम डो फॉर्म में आ जाएगी। तो इससे जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो बनाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, एकदम डो फॉर्म में आ गया है। और अब इसे हम छोटी छोटी बॉल्स तोड़कर इसे गोल गोल कर लेंगे, क्योंकि ये जो डो है वो बहुत ही कड़क भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं है। तो इस तरह जब हम बॉल्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगी। इस तरह अब जब हम बॉल्स बनाकर मंचूरियन बनाएंगे तो ये काफ़ी प्रेजेंटेबल भी लगेगा। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और इधर हमारी मंचूरियन बॉल्स भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की।
तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है क्योंकि तेल गर्म हो चुका है और मीडियम हॉट ऑयल में ही हम इन मंचूरियन बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे। तो सारी मंचूरियन बॉल्स हम डाल देते हैं। जैसे ही आप इन बॉल्स को डालें तो एक बार किसी चम्मच वगैरह से ना हिलाएं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं तो टूट सकती हैं और पत्ता गोभी पूरे तेल में बिखर सकती है। तो थोड़ा सा जब इनमें कलर आने लगे तो आप कढ़ाई को ही ऐसे थोड़ा हिला दें ताकि ये नीचे पैंदे में से चिपके नहीं। जब इन बॉल्स पर अच्छा गोल्डन कलर आने लगे तब एक दो बार हम चलाते हुए इन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि तेल है वो एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि या तो मंचूरियन बॉल्स काफ़ी हार्ड बन जाती हैं या काफ़ी ढीली बन जाती हैं, तो उस वजह से भी ये जो पत्ता गोभी के मंचूरियन बॉल्स होते हैं वो तेल में जाकर फटने लगते हैं या बिखरने लगते हैं। तो अच्छा ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट जाएगा इनमें से। तो बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी है तो बना लेते हैं इनके लिए एक बढ़िया सा सॉस। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें डालेंगे 1/8 कप तेल। तेल जैसे ही गरम होता है इसके अंदर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियों को हम तेल के अंदर पका लेंगे। लहसुन को जब हम इस तरह तेल के अंदर थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं तो इसमें से बहुत ही अच्छा एरोमेटिक फ्लेवर आता है जो इस मंचूरियन के टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा ब्राउन होने तक हमें लहसुन को पका लेना है। तो लहसुन थोड़ा ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो एक बारीक कटा हुआ प्याज भी इसके अंदर डालेंगे और इसे भी हम पका लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, बस हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक ही इसे पकाना है। अब जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो प्याज और लहसुन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को स्किप करते हैं तो फिर उसी हिसाब से मंचूरियन का टेस्ट आता है। तो यदि आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो इनको डालकर ही इसे बनाएं। अब प्याज भी अच्छा ट्रांसलूसेंट हो गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और 1/4 कप डालेंगे इसके अंदर हरे प्याज। जिसकी हरी पत्तियां होती हैं उसको हमने हटा दिया है, वो लास्ट में इस्तेमाल करेंगे और जो आगे का पार्ट होता है वाइट वाला वो अभी डाल दिया है। तो इसे भी हाई फ्लेम पर हम सौटे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है, अच्छा खिला खिला रहने देना है ताकि जो टेस्ट होगा मंचूरियन का वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम मिलाएंगे इसके अंदर सॉस। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस। हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं डाला है तो जो तीखापन होगा वो इस रेड चिली सॉस और हरी मिर्च से ही आएगा। तो जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से ये रेड चिली सॉस या फिर हरी मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हमने सोया सॉस डाला है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, ये ऑप्शनल है। यदि आप रेड चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और यदि अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सॉसेस को हम थोड़ा चला लेते हैं क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये जल ना जाएं, क्योंकि सॉसेस को बहुत ज़्यादा पकाने पर वो कड़वाहट पकड़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 छोटे चम्मच हम ये टोमेटो सॉस डाल देंगे। टोमेटो सॉस डालने से जो इसके फ्लेवर्स होंगे, क्योंकि सॉस मीठा आता है, वो भी बैलेंस हो जाएगा और साथ ही जो मंचूरियन होता है वो काफ़ी अच्छा लाल लाल बनता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और 1/2 कप पानी लेकर इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये कॉर्नफ्लोर का पानी डालकर हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इस सॉस में से अच्छी शाइन ना आने लगे और ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। यदि आप ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाते हैं तो जो पानी और कॉर्नफ्लोर है उसकी मात्रा को बढ़ा दें तो इससे इसमें अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, तो वो ग्रेवी वाला मंचूरियन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे सॉस धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो कॉर्नफ्लोर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालें यदि आप बहुत कम सॉस पसंद करते हैं मंचूरियन के अंदर, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो काफ़ी गाढ़ा होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉस बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आते हैं इस सॉस में से, तभी मंचूरियन का जो टेस्ट होता है वो अच्छा बनता है। अब इसमें बहुत ही थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे।
क्योंकि बॉस में तो नमक है लेकिन सॉसेज में ऑलरेडी नमक आते हैं, इसलिए बहुत ही थोड़ा सा हमने नमक डाला है। और एक छोटा चम्मच इसके अंदर डालेंगे विनेगर, या जिसे सफ़ेद सिरका भी कहते हैं, और कुछ बारीक कटी हुई ये हरे प्याज की पत्तियाँ जो हमने बचा कर रखी थी, बस इसे मिक्स कर लेते हैं। विनेगर हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि विनेगर को यदि ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें कड़वाहट आने लगती है, तो जब लास्ट के आधा एक मिनट बचे हों तभी आप उसमें विनेगर ऐड करें। अब मंचूरियन बॉल्स डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बॉल्स अच्छे से सॉस में कोट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे सॉस में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये फिर सोगी होने लगती हैं। तो बस आधा एक मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो सारा सॉस है वो इन बॉल्स पर अच्छे से कोट हो जाए। तो बस गर्मा गर्म मंचूरियन सर्व करने के लिए तैयार है। तो ठंडा ठंडा मौसम हो और ये गर्मा गर्म मंचूरियन हो तो ठंड का भी मज़ा आने लगता है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये मंचूरियन बनाएं और सर्दियों में इस गर्मा गर्म मंचूरियन का मज़ा उठाएं। यदि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए।